गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन की इस सीरीज में यू आर वेलकम। और इसमें एक डिफिनेशन रह गया था, डायटेटिक्स, DIETETICS, डायटेटिक्स। व्हाट इज डायटेटिक्स? अगर डायटेटिक्स देखा जाए तो एक तरह का साइंस, एक तरह का ब्रांच है दैट डील्स विद स्टडी ऑफ डाइट एंड इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ। डाइट और हेल्थ का जो इफेक्ट होता है, डाइट का जो हेल्थ पे इफेक्ट होता है, उसकी जो स्टडी होती है, उसकी ब्रांच, उसके जो साइंस का जो ब्रांच है, उसको बोलते हैं डायटेटिक्स। ठीक है, तो डायटेटिक्स में अगर देखा जाए तो तीनों आपस में कोरिलेटेड हैं। डाइट, डाइट इज कोरिलेटेड विद हेल्थ, हेल्थ इज कोरिलेटेड विद डिजीज, एंड डिजीज इज कोरिलेटेड विद डाइट। तो ये तीनों चीजें आपस में कोरिलेटेड है। एंड दिस ब्रांच ऑफ साइंस डायटेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ डाइट एंड इट इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। तो ये हो गया। उसके बाद जो है, उसके बाद एक और है डिफिनेशन, बेसिकली फूड का है। तो फूड में देखने जाए तो एक इंस्टीट्यूट है इंडिया में, CFTRI, है ना, CFTRI। This is a institute, CSIR institute है। इसका full form देखेंगे, Central Food Technological Research Institute है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये मैसूर में है। ये फूड से रिलेटेड एकेडमिक और रिसर्च दोनों है। इसमें फूड से रिलेटेड रिसर्च भी होता है और इसमें पढ़ाई भी होती है, CFTRI। और ये कहाँ है? मैसूर में है, मैसूर में। ठीक है, मैसूर में है, दिस इज प्रेजेंट इन मैसूर। इसके बाद जो है कुछ और डिफिनेशन है। एक है फाइटोकेमिकल्स। व्हाट आर द फाइटोकेमिकल्स? अगर पूछे कोई कि फाइटोकेमिकल्स क्या होता है, तो फाइटोकेमिकल्स यहां पर देख लेते हैं। फाइटोकेमिकल्स, व्हाट इज फाइटोकेमिकल्स? फाइटोकेमिकल्स क्या होता है, इसी में देख लेते हैं छोटा सा। फाइटोकेमिकल्स क्या होता है? ठीक है, बेसिकली दीज आर द फाइटोकेमिकल्स आर नॉन न्यूट्रिएंट। क्या होता है ये? नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट, प्लांट डिराइव्ड होते हैं, प्लांट डिराइव्ड होते हैं, मतलब बेसिकली प्लांट डिराइव्ड, दे आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्लांट डिराइव्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मतलब प्लांट का में इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए ये नॉन न्यूट्रिएंट है, प्लांट डिराइव्ड हो गए। उसके बाद जो है ये फूड में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट बेस्ड फूड। ठीक है, प्लांट बेस्ड फूड में फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तीसरा पॉइंट ये होगा। और चौथा पॉइंट ये होता है कि फाइटोकेमिकल्स का जो है, फाइटोकेमिकल्स हैव बायोलॉजिकल रोल इन एनिमल और ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में फाइटोकेमिकल्स का बायोलॉजिकल रोल है, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो चार पॉइंट ये फाइटोकेमिकल्स, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट्स, प्लांट डराइव होते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट बेस्ड फूड में प्रेजेंट होते हैं, और दे हैव बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो फाइटोकेमिकल्स का डिफिनेशन हो गया आपको डिफाइन करने के लिए, फाइटोकेमिकल्स हो गया। आज के लिए इतना ही है, इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक रहेगा, एनर्जी डेंसिटी। थैंक यू।